नमस्कार, पुनिया बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता पुनिया सातरोड कैंटी सर से आज वही दो तीन वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सूट ऑर्डर के बहुत ज्यादा है और सारे कुरियर करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और सूट वही इतने शानदार बन के आए हैं, आप यू देख के कहोगे वाह क्या कोई चीज है, मतलब गजब के सूट है। देखो पहला सूट है शोभा जी का, शोभा ने करवाया है चिकू कलर के अंदर, प्लेन जूट के अंदर हैंडवर्क, वो मशीनी वर्क। देखो भाई पहले तो अपने वर्क की फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है, फिनिशिंग लुक देखो, कलर कितने गजब के लगा रखे हैं, एक एक चीज तरीके से कर रखी है। हैवी बाजू बनवाई है शोभा जी ने, मशीनी हैवी बाजू, और फ्रंट के ऊपर दो बेल बनवाई है धागे की, जो एक टाईडाई सलवार टाईडाई दुपट्टे के साथ मैचिंग सूट था उसी सूट को शोभा जी ने थोड़ा चेंज करवा दिया और इसके ऊपर दे दी टाई एंड डाई दुपट्टा। ये देखो भाई दुपट्टा मैंने मेरी पसंद से करवा दिया, क्योंकि ये वाली मतलब टाई डाई मेरे को भाई बहुत पसंद है, जितने कलर वर्क के अंदर है उतने ही कलर दुपट्टे में डलवा दिए। और इसके साथ भाई मैंने लगवा दी धागे वाली लेस, लेस अभी लगने के लिए जाएगी, तो देखो भाई चुकंदर कलर डलवाया है उसी कलर की धागे वाली लेस लगवा दूंगी, तो सूट का लुक देखना भाई शानदार सूट तैयार होगा, सिंपल सोबर रॉयल लुक। इसके बाद में आ गया भाई बेबी पिंक कलर के अंदर, ये देखो ये सूट है कल्पना जी का है सिक्कर से, तो कल्पना ने लिया है आम पत्ता का कपड़ा, भाई जो सूट बेबी पिंक कलर का मैंने डाला था उसी सेल्फ में वही कलर ले लिया। और जो फेवरेट टू का डिजाइन है उसकी जितनी भी बूटियां होती है जितने भी कलर है सारे कलर फ्रंट के ऊपर डलवा लिए। कल्पना ने कहा है कि भी मेरे को ज्यादा हैवी सूट पसंद नहीं है तो सिंपल सोबर सूट करवा दो, तो उसी हिसाब से देखो भाई फिरोजी है, काई है, ऑरेंज है, रानी है, सारे कलर डलवा दिए, सेम काम करवा दिया बाजू के ऊपर। ये देखो भाई ये बाजू के ऊपर सारे कलर लगा दिए, तो भाई जिनको बिल्कुल सिंपल सूट करवाने हैं कम बजट के अंदर डेली रूटीन के हिसाब से, ये जरूरी नहीं है कि हड़के वर्क करवा रहे हैं तो भाई मतलब यूं लगा लो बजट नहीं है, बजट खूब है इनका। लेकिन पता है क्या है, कई बार यूं होता है कि भाई हड़के फुलके सूट और रूटीन में भी चले और सुंदर भी लगे। अब इस सूट के ऊपर मल्टी कलर की पाइपिंग लगा के चौक बाजू के ऊपर टाई एंड डाई दुपट्टा लेके सूट गजब का तैयार होगा। तो इसके बाद में है भाई मोनिका जी, ये भी मेरी बहुत तकड़ी कस्टमर है, मतलब यू लगा लो हर महीने 5-6 सूट इनके रेडी होते ही होते हैं। देखो वाइन कलर का सूट है, प्लेन जूट के अंदर करवाया है, ये देखो चाक घेरा बाजू, जो सूट शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है सेम सूट मोनिका का रेडी करवाया है, कटवर्क हो रखा है, दबके की पत्तियां हैं, पूरे फ्रंट के ऊपर डॉट्स हो रखे हैं, और ये काम है बाजू के ऊपर। जो सूट मेरा है सेम डिट्टो वैसा रेडी करवाया है, और ये देखो भाई पिछला फ्रंट हो गया और ये बैक पे हो गई, बैक पर भी चाक घेरा बाजू। भाई मोनिका का नेचर ऐसा है जो चीज पसंद आ गई वो लेनी लेनी है, चाहे वो 500 की हो चाहे 5000 की हो। इसके बाद में है ऑरेंज कलर का सूट, ये भी मोनिका का है, ये भी पसंद आ गया था भाई मोनिका को ऑरेंज कलर के अंदर। देखो भाई दो बेल बनवाई है मोनिका ने, काई कलर मस्टर्ड येलो कलर, बहुत प्यारी लुक है इसमें, व्हाइट मोती दबका गोटा पत्ती सब कुछ लगा हुआ है। देखो भाई इस तरीके से आएगी इसकी लुक, सूट का कलर देखो भाई कितना प्यारा है, बिल्कुल ऑरेंज प्योर ऑरेंज कलर है। और ये इसकी बाजू बनवाई है, देखो सेम कलर के दुपट्टे हैं, गोल्डन लेस लगने के लिए गई है, बाकी मैंने सबके दुपट्टे पैक करके रखे हैं, साथ की साथ सूटों में डालती रहूंगी, क्योंकि देखो भाई दुपट्टे बार बार खोलने से खराब होते हैं। अगला सूट देखो भाई रेखा का है सुल्तानपुर से, रेखा जी ने दो सूट रेडी करवाए हैं, ये हो गया अट्ठा उपाड़ा के अंदर, जैसे इसमें 8 बड़ा हुआ है तो रेखा ने करवाया है मोरनी वाला काम, देखो कितना प्यारा काम है मोरनी का, घेरे के ऊपर जो काम मोरनी का है सेम वैसा ही धागे के अंदर मोरनी बैठी हुई है, मल्टी कलर लगा दिए, व्हाइट मोती और व्हाइट धागे का काम यू लगा लो इस सूट के अंदर, 4 चांद लगा रहा है। और सेम काम बाजू के ऊपर, ये सॉरी ये है पोंचे बने हुए है और ये है बाजू, देखो खूब हैवी काम करवाया है रेखा ने, खूब सुंदर सूट रेडी हुए हैं। टाई एंड डाई का दुपट्टा है, लेस लगने के लिए गई है, वो दुपट्टा भी तैयार हो जाएगा। दूसरा सूट करवाया है रेखा ने बर्फी उपाड़ा के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन देखो भाई और सूट का लुक देखो, बर्फी उपाड़ा का कपड़ा वाइन कलर, डार्क वाइन कलर, बहुत प्यारा कलर है, मतलब ये सूट डालोगे तो यूं लगा लो गोरे गोरे ऑटोमेटिक दिखोगे, तो ये कमीज करवाया है देखो, वाइन कलर का सलवार है और वाइन ही दुपट्टा है और मस्टर्ड येलो कलर की कमीज है। और इसके ऊपर काम देखो भाई, अरे एक बार धागा देखो कितना प्यारा लगा हुआ है वाइन कलर का, गजब के बूटे बने हुए हैं, 3-2-1 के पैटर्न में बूटे बने हुए हैं, लुक इस सूट का बहुत शानदार है। इंस्टा से लिया था ये फोटो,
एक एक गुट्टा बना हुआ है बाजू के ऊपर, काम में कोई कमी नहीं है, फिनिशिंग के साथ काम हो रखा है, ना कपड़े में कोई शिकायत है। इसके बाद में आ गया भाई रेड कलर के अंदर है ये सूट, अभी इनका नंबर है 7858 है लास्ट में, तो इन्होंने करवाया है जो मेरी भाभी ने डाला था सेम वही सूट ऑर्गेन्जा के अंदर, रेड ऑर्गेन्जा है, दबके का काम है, घेरे के ऊपर काम देखो भाई, पूरे फ्रंट के ऊपर व्हाइट मोती और दबके की बुटियां हैं, फिनिशिंग लुक जो काम हो रखा है, मटेरियल हर एक चीज सोच समझ के लगा रखी है, बहुत ही प्यारा डिजाइन हो रखा है। और सूट डालने के बाद में भाई इसकी लुक भी जैसे पंजाबी सूटों की लुक आती है ना, सेम वैसी लुक है। और किसी को भाई लुक देखनी है तो शॉर्ट वीडियो देखो मेरी जितनी है, सभी में हर एक सूट हर एक डिजाइन की लुक है। ये देखो भाई बाजू, सेम काम बाजू के ऊपर हो रखा है, सेम कलर का दुपट्टा है, गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। इसके बाद में आ गया भाई मंजू गोदारा का, ये देखो भाई मंजू जी ने करवाए हैं दो कमीज प्लेन जूट के अंदर। अब देखना भाई हाथी के सूट का डिजाइन इसमें भी कितने कमीज है, गला चौक और बाजू सिल्वर कलर, सारा सिल्वर दबके और सिल्वर सीक्वेंस के अंदर काम हो रखा है, गला है, चौक है, बाजू है। और एक बात ये भी नोट कर लेना, जैसी फिनिशिंग जो मटेरियल इस डिजाइन में लगा हुआ है कहीं और से करवा लो आप, बिल्कुल फर्क मिलेगा। तो ये देखो भाई पूरे फ्रंट के ऊपर सिल्वर कलर का काम करवा रखा है, गला चौक और बाजू, सेम कुर्ती और बनवा रखी है, दो कुर्तियां बनवाई है मंजू ने, एक कुर्ती ये रही, ये देखो दोनों सेम सेम कुर्तियां करवाई है, गला चौक और बाजू सिल्वर कलर का काम, क्योंकि मंजू के पास पिंक कलर की बॉटम पहले से ही है, क्योंकि काफी कपड़ा लेते हैं तो सेम कलर में सेम मतलब फैब्रिक मिल जाता है कई बार। इसके बाद में आ गया भाई ये सूट है पपोसा से है पिंकी का, पिंकी ने भी हाथी के सूंड वाला काम करवाया है, गला चौक और बाजू देखो भाई फिनिशिंग, काम की फिनिशिंग देखो, लुक देखो, दूसरी बात हमारे कलर देखा करो, कलर हमेशा यू ब्राइटनेस में होते हैं, डल डल कलर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कपड़े के अंदर चमक होगी, कढ़ाई के अंदर फिनिशिंग होगी, मतलब हर एक चीज सॉलिड होगी, मतलब कोई चाहे कुछ भी कहो चीज बहुत प्यारी होगी, बहुत प्यारी चीज। और जो बंदा एक सूट ले लिया रिपीट में उसके ऑर्डर आने ही आने हैं, क्योंकि चीज बोलती है। ये देखो ये बाजू बनी हुई है, बाजू के ऊपर भी हाथी के सूंड वाला काम। ये अगला सूट है भाई प्लेन जूट तोतिया कलर के अंदर, ये शेड भाई बहुत प्यारी है, जिस किसी को भी ये कलर करवाना हो, मैंने ले ली इसकी कटिंग, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग सी कटिंग कलर है, बहुत ही प्यारा नियोन शेड है। और ये सुमन जी का सूट है, घेरा बाजू करवाया है सुमन ने, फेवरेट टू का डिजाइन, फ्रंट के ऊपर बुटियां, कलर देखो भाई कितना प्यारा गजब का कलर है। और ये काम हो रखा है इसकी बाजू के ऊपर, एक एक बुट्टा बना हुआ है बाजू के ऊपर, सेम कलर का दुपट्टा, गोल्डन लेस लगी हुई है। इसके बाद में है भाई ट्रायंगल जूट के अंदर है, दुर्जन पर से है सुमन का सूट, ये देखो भाई चाक बाजू बनवाए हैं सुमन ने ट्रायंगल जूट के अंदर, फेवरेट टू के, फेवरेट टू का डिजाइन देखो भाई, हर एक का बार जितनी भी बार करवाओगे, चाहे दुल्हन का भी सूट करवाओ, इतनी प्यारी लुक है भाई फेवरेट टू के अंदर, एक बार फिर से यूं लगा लो पिछली साल भी और इस साल भी, फेवरेट टू का डिजाइन खूब चलेगा भाई, खूब धुमे उठाएगा। तो देखो भाई चाक बाजू बनवाए हैं सुमन ने, सेम दुपट्टा है, गोल्डन लेस है। ये थे भाई ऑर्डर के सूट, जिनको भी सूट रेडी करवाने हैं टाइम दो भाई पूरा पूरा, क्योंकि कलर होने में चरक होने में, क्योंकि एक सूट है पहले दिन जिस दिन ऑर्डर देते हो उससे दो दिन के बाद की में डाई होता है, एक दिन चरक में लगता है, फिर वर्क में भी लगता है टाइम, और पहले जो पुराने ऑर्डर है उनको कंप्लीट करने के बाद में नए ऑर्डर पर ध्यान दिया जाता है। तो कम से कम एक महीने का टाइम बिल्कुल दो, और भाई आगे करवा आ रहा है तो करवा के हिसाब से यूं मत सोचना कि 10 दिन 15 दिन पहले सूट तैयार करवाऊंगी, क्योंकि इन्हीं में से डिजाइन होके जाएंगे, कोई चौक बनवा लेगा, कोई घेरा बनवा लेगा, कोई गला बनवा लेगा, तो टाइम बहुत देना, पहले टाइम देना, फिर आपके सूट रेडी होंगे, क्योंकि 15 दिन में कोई सूट रेडी नहीं होगा, और खास करके करवा के, क्योंकि एक ही दिन पूरी दुनिया करवा चौथ का व्रत करेगी और सबको एक ही दिन चाहिए, तो इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन में नहीं बनेंगे सूट, एक महीने का टाइम लगेगा। पर ऐसे भी पुनिया बुटीक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, धन्यवाद।